नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने दुबई जॉब करियर पर बनाए हैं। दुबई में किस तरीके से आप आपका करियर डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से आप शिफ्ट हो सकते हो दुबई में, हर टॉपिक पे मैंने जो है वो वीडियोस पहले से बना के रखे हैं। तो काफ़ी टाइम आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि मैं कैसे दुबई आ गया, तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले से ही बना के रखे हैं। दोस्तों एक्चुअली मेरा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो मैं जब इंडिया में जॉब कर रहा था तो मुझे यही बात खल रही थी कि जितना मेरा टैलेंट था, जितना मेरा नॉलेज था, उस हिसाब से मुझे वहाँ पर सैलरी नहीं मिलती थी। पता नहीं था मेरा वो लक था या मेरा आई डोंट नो, मगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ हर टाइम पे कि जहाँ जो भी काम मैं इंडिया में करने जाता था तो वो काम बिगड़ जाता था। तो ये मेरे साथ बहुत होता था। मेरे पेरेंट्स भी मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा ताने देते थे कि देखो तुम्हारे बैचमेट अभी यहाँ पे इस MNC में काम करते हैं और तुम क्या कर रहे हो, तो बुरा लगता था। मगर ऐसा भी नहीं था कि हम भी कच्चे थे, मगर पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। तो ये मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है, मतलब जिस काम में मैंने हाथ डाला वो काम बिगड़ गया। ऐसे ही मेरी हिस्ट्री है पहले से। तो मुझे उस टाइम पे यही लगता था कि यार ये मेरे साथ क्यों होता है। लास्ट जॉब जो मैंने इंडिया में किया तो वो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ मैं वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर काम करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंजीनियरिंग मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई थी, उस बेस पर मैं वहाँ पे जॉब करता था और मेरे क्वालिफिकेशन के लोग वहाँ पे एज अ प्रोफेसर काम करते थे और उनके और मेरे सैलरी में तकरीबन 25,000 का फ़र्क था। मतलब मैं वहाँ पे 11,000 सैलरी पे काम करता था, वो और वो लोग जो थे वो भी मेरे एजुकेशन के ही थे, बस उनका प्रोफेशन अलग था और मेरा प्रोफेशन अलग था। वो लोग 35 प्लस सैलरी लेते थे और मैं उस टाइम पे 11,000 सैलरी लेता था। तो मेरे दिमाग में यही बात हर टाइम खलती थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि भाई अभी इंडिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने टैलेंट को यहाँ पे पहचानने वाला कोई नहीं है। बहुत बातें दिमाग में आती थी यार क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, क्यों होता है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कनाडा जॉब की बहुत चलता था। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मैं दुबई के बारे में इतना नहीं सोचता था, कनाडा जैसे हर किसी का होता है ना। फिर कनाडा मैंने इसलिए दिमाग से निकाला दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे फेक जॉब मुझे मिल गए थे कनाडा के, और फेक जॉब फेक ऑफर लेटर जैसे आपको भी मिलते होंगे उस तरीके से, और काफ़ी सारे लोग पैसे मांग रहे थे। फिर मैंने इस बात पे कनाडा जॉब का दिमाग से निकाला था दोस्तों क्योंकि कनाडा बहुत दूर है, जाने के लिए तकरीबन 8-9 घंटे का सफ़र आपको पार करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं भाई इतना दूर तो नहीं जाना है, तो दुबई मैंने इसलिए चुना कि 3 घंटे का सफ़र है, सिर्फ 3 घंटे में 3 घंटे में जाओ। तो इस तरीके से मैंने दुबई चुना था और मैंने इंडिया से ही जॉब सर्चिंग शुरू की थी। वीडियो बनाने का मकसद ये है ना दोस्तों, आप यहाँ पे आके भी जॉब सर्चिंग कर सकते हो, आप इंडिया से भी जॉब सर्चिंग कर सकते हो। सच्चे लगन से, सच्चे मन से आप जॉब सर्चिंग करो, आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो मेरे वीडियोज देख लो, आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, और CV अच्छा बनना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। उस प्रोग्राम में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि इंडिया से किस तरीके से जॉब सर्चिंग करना है, साथ में आपको काफ़ी सारे कंपनियों का डेटाबेस भी मिलने वाला है, इंक्लूडिंग करियर ईमेल जो होते हैं ना HR के ईमेल, वो भी आपको मिलने वाले। तो उस टाइम जब मैं जॉब सर्चिंग करता था तो उस टाइम पे तो कोई बंदा ऐसा नहीं था मुझे गाइड करने वाला, कि कोई यूट्यूबर भी नहीं था या कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही आ गया था। तो इंडिया से ही मैं जॉब सर्चिंग करता था। अगर काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता है, काफ़ी सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इंडिया से ही जॉब सर्चिंग करता था। इंडिया से ही मैंने काफ़ी सारे जॉब निकाले थे, मुझे काफ़ी सारी ऑफर्स इंडिया से ही मिली थी। तरीका अच्छा होना चाहिए दोस्तों, एक सही तरीके से अगर आप जॉब सर्चिंग करते हो तो आपको दुबई जॉब जो है वो इंडिया से भी मिल सकती है। बस मेरी एक बात सुनो, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, विदाउट पासपोर्ट आप जॉब सर्चिंग मत करो। आपका CV अच्छी तरीके से होना चाहिए,
काफी सारे वीडियोस मैंने सीवी के बेस पर बनाए पहले से, आप देख लो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हो ना, और आपके पास टैलेंट हो एक अच्छा सा, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इंडिया में जॉब करता था दोस्तों, मेरा टैलेंट कूट कूट करता मेरे अंदर, ठीक है, मतलब होता है हर बंदे को अपनी लेवल का पता होता है, तो उस टाइम पे मुझे अपनी लेवल का पता था, मुझे यही फील होता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो फाइनली मैं दुबई आ गया, 11,000 सैलरी कहाँ पे, और मुझे डायरेक्टली वो उस टाइम पे तकरीबन 70-80,000 सैलरी हो गई थी दुबई आने के बाद, ठीक है। तो देखिए कितना गैप, काम तो मैं वही करता था जो इंडिया में जॉब करता था, वही काम मैं दुबई में आके करता था, यहाँ पे कोई अलग से अलग काम नहीं करता था या कोई एक्स्ट्रा दिन रात काम करके कोई पैसे नहीं कमाता था। जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था तब मैं सोचता था, मेरी 11,000 सैलरी थी तब मैं सोचता था शायद मेरी 35,000 सैलरी होती उस टाइम पे, तो यार मैं तो और दिन मतलब रात दिन काम करता। तो इस तरीके से थोड़ा मेंटेलिटी हो जाती है, सही तरीके से जॉब सर्चिंग करो, आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियोस है दोस्तों कहाँ पे, वो चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो, देखो, बार बार देखो, स्टार्टिंग से देखो, 2016 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो स्टार्टिंग की सारी वीडियोस देख लो, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस जो है ना बैठे बैठे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।